सो गाइस अगर आप भी अपने नाम का इस तरीके का इंट्रो बनाना सीखना चाहते हो सो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस तरीके का इंट्रो बनाने के लिए आपको अपने फोन में काइनमास्टर को ओपन करना है। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद में सिंपली यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ से आपको 16:9 सिलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही गाइस आप क्रिएट पे क्लिक करोगे यहाँ से गाइस आपको ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस यहाँ से मैं ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको जितने भी ड्यूरेशन को रखना है आपको सिंपली से कम ज़्यादा कर देना है। सो गाइस यहाँ से मैं रख देता हूँ 5 सेकंड की ड्यूरेशन। उसके बाद में सिंपली गाइस यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको जाना है काइनमास्टर स्टोर में। गाइस काइनमास्टर स्टोर में आने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप का मटेरियल देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको म्यूजिक का ऊपर वाला जो यहाँ पर हार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करोगे स्टिकर्स पे, सो गाइस यहाँ से आपको सिंपली सर्च बार में आना है और गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है नियॉन बॉर्डर। सो गाइस यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ नियॉन बॉर्डर। जैसे ही गाइस आप सर्च करोगे नियॉन बॉर्डर गाइस यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके का। सिंपली गाइस आपको इसे अपने मतलब कि यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में सिंपली गाइस यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक आने के बाद में गाइस यहाँ पर आना है, आपको लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से स्टिकर पे क्लिक करना है और गाइस अभी जो हमने यहाँ पर नियॉन बॉर्डर डाउनलोड किया था सिंपली गाइस यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बहुत मतलब अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर नियॉन कलर के बॉर्डर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ से मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। उसके बाद में गाइस आपको करना है क्या है, उस जितना गाइस आपका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आपको इसे भी रख देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसे यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है बीच में, इस तरीके से बढ़ा करके। उसके बाद में गाइस हमको आप इस पर नाम लिख देना है। नाम लिखने के लिए सिंपली लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और जो भी दोस्तों आप लिखना चाहते हो सिंपली आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनुराग मौर्य, इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया अनुराग मौर्य। मैं इसे भी बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ और गाइस यहाँ से ये वाला फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे भी इस तरीके से यहाँ पर इसमें लगा देता हूँ। उसके बाद में गाइस देखा होगा आपने मतलब कि नाम में से फायर आ रहा है, तो मतलब फायर जैसा दिख रहा था। सो गाइस आपको करना क्या है, फायर लाने के लिए आपको सिंपली लेयर पर क्लिक करना है, स्टिकर पर क्लिक करना है और गाइस ऐसे सिंपली आपको यहाँ पर फायर शेप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसे गाइस यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के यहाँ फायर्स देखने को मिल जाएगी। सो गाइस जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको ये वाली लगा कर दिखा देता हूँ या फिर बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस सिंपली जैसे मैं यहाँ पर ये वाली लगा लेता हूँ। उसके बाद में गाइस आपको करना है क्या, यहाँ से गाइस आपको इसे बैक कर देना है और गाइस यहाँ पर इसे आपको नाम जितना बड़ा आपका नाम है उसमें आपको इस तरीके से इसे सेट कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर इसे पूरा मतलब कि लगा देते हो इस तरीके से गाइस आपको सेट कर देना है। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है, स्क्रीन पर यहाँ पर जाना है गाइस आपको यहाँ पर मल्टीपल के ऑप्शन पर, स्क्रीन के ऊपर आपको मल्टीपल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सो गाइस आपके नाम में कुछ इस तरीके का यहाँ पर फायर इफेक्ट लग जाएगा। गाइस मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारे नाम के अंदर में फायर यहाँ पर लग चुका है फायर इफेक्ट। उसके बाद में गाइस करना है क्या, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए म्यूजिक पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ से कोई सा भी एक मतलब फायर इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर से गाइस मैंने फायर इफेक्ट पहले से डाउनलोड करके रखा था, आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इसे आपको यहाँ पर म्यूजिक के यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐड कर देना है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का गाइस आप मतलब कि अपना खुद का मतलब कि इंट्रो बना सकते हो। सो गाइस उम्मीद करूंगा आप सभी को जो है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना।